स्टूडेंट क्लास फर्स्ट, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर। सो टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक पेज नंबर 52, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नेम द बॉय हु क्राइड वुल्फ, एक लड़का जो भेड़िया सा रोया। अब चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। वंस देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। एक बार की बात है कि एक शेपर्ड बॉय यानी चरवाहा भेड़ियों की झुंड की देखभाल करता था। वन डे ही फेल्ट बोर्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द ब्लेजर्स। एक दिन वह बहुत बोर हो रहा था, उसने डिसाइड किया कि वह गांव वालों के साथ एक अपने मनोरंजन के लिए, अपने उत्साह के लिए एक ब्लेजर्स मीन्स होता है गांव वाले, ब्लेजर्स मीन्स गांव वालों के साथ एक चाल चलेगा। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, हेल्प बॉल्फ बॉल्फ, मेरी मदद करो भेड़िया भेड़िया आया। द ब्लेजर्स हियर्ड हिज क्राइज एंड रुश्ड आउट ऑफ द ब्लेज टू हेल्प द शेपर्ड बॉय। जितने भी ब्लेज के यानी गांव वाले थे, उन्होंने लड़के का, चरवाहा का साउंड सुना और उसके रोने की आवाज़ सुनी। तो सारे ब्लेजर जो ब्लेज वाले थे गांव वाले, वो वहां पर पहुंचे किसके लिए, चरवाहे की मदद करने के लिए। व्हेन दे रीच्ड हिम, वह उसके पास पहुंचे, दे आस्क्ड वेयर इज़ द बॉल्फ, उन्होंने पूछा किससे, लड़के से, चरवाहे से, कि बॉल्फ कहाँ है, भेड़िया कहाँ है। बॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया। द शेपर्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, और ऐसा पूछने पर, गांव वाले का ऐसा पूछने पर जो शेपर्ड बॉय था, चरवाहा लड़का था, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। लाफ्ड मीन्स होता है हंसना, लाउडली यानी तेज तेज हंसने लगा। हा हा, आई फूल्ड ऑल ऑफ यू, मैंने सबको बेवकूफ बनाया। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू, मैं सिर्फ आपके साथ खेल रहा था, एक चाल कर रहा था। अ फ्यू डेज लेटर द शेपर्ड बॉय प्लेड दिस ट्रिक अगेन, कुछ दिनों बाद उसने फिर यही चाल की। अगेन ही क्राइड, वह फिर से रोया, हेल्प हेल्प बॉल्फ, और फिर से चिल्लाया, मेरी मदद करो, भेड़िया आ गया है। बॉल्फ अगेन द ब्लेजर रुज्ड अप, फिर से एक बार ब्लेजर्स वहाँ पे पहुँचे, द हिल टू हेल्प, एंड अगेन द फाउंड डैट द बॉय हैड ट्रिक्ड देम, और उसकी मदद के लिए वो फिर से पहाड़ पर पहुँचे, लेकिन फिर जो चरवाहा था उसने उनके साथ फिर से एक बार चाल की थी। दे वेयर वेरी एंग्री विथ हिम, ऐसा देखने पर गांव वालों को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना, फॉर बींग सो नॉटी, और उसकी शरारत, नॉटी मीन्स क्या होता है, शरारत, उसकी इस हरकत पे, शरारत पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। देन सम टाइम्स लेटर अ बॉल्फ बेंट टू इनटू द फील्ड, कुछ टाइम बाद लेटर अ बॉल्फ बेंट इनटू द फील्ड, एक सचमुच का भेड़िया वहाँ पे आ गया, फील्ड मीन्स खेत में आ गया। द वुल्फ अटैक्ड वन शीप, और जो भेड़िया था उसने एक शीप पर, भेड़ पर हमला किया। देन एंड देन अनदर, फिर एक के बाद एक भेड़ पर अटैक करता रहा, कौन, भेड़िया। द, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, द शेपर्ड बॉय रेन टूवर्ड्स द ब्लेजर्स, जो शेपर्ड बॉय था चरवाहे ने गांव की तरफ दौड़ लगाई, शाउटिंग चिल्लाया, हेल्प हेल्प बॉल्फ, हेल्प समबडी, और फिर उसने चिल्लाया, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, समबडी मीन्स कोई। द ब्लेजर हियर्ड हिज क्राइज बट दे लाफ्ड बिकॉज दे थॉट इट वॉज एनदर ट्रिक। ब्लेजर्स ने उसका साउंड सुना, उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो फिर से कोई चालाकी कर रहा होगा। द बॉय रेन टू द नियरेस्ट ब्लेज एंड सेड, अब जो बॉय था वो भागकर एक पास वाले गांव में गया। अ वॉल्फ इज अटैकिंग माई शीप, और बोलने लगा कि मेरी शीप पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया है। आई लाइड बिफोर बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू, मैंने पहले झूठ बोला था, बट लेकिन अब इस समय मैं सच बोल रहा हूँ। फाइनली गांव वालों ने देखा इट वॉज ट्रू, कि वो सच बोल रहा है। दे कुड शी द बॉल्फ रनिंग अवे एंड मैनी डीप डाइड शीप लाइंग ऑन द ग्रास,
उन्होंने देखा कि बहुत भागकर उसके पास गए कि रनिंग करते करते भेड़िया बहुत सारे शीप को मार चुका है और बहुत सारे शीप मरे हुए ग्रास पर पड़े हुए हैं। हम इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? मोरल, वी मे नॉट बिलीव समवन हु ऑफ्टन टेल्स लाई इवन व्हेन ही टेल्स द ट्रुथ। जब भी कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो जब वह सच में सच बोलता है तो उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चैप्टर समझ में आया? ओके, अब आप घर पे बैठ के इसकी रीडिंग करोगे और चैप्टर को और अच्छे से समझोगे। ओके स्टूडेंट।